स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में विश्व रक्तदान दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय समेत जनपद की समस्त चिकित्सा इकाई ने रक्तदान की शपथ ली है। इसके साथ ही बेस चिकित्सालय श्रीकोट, जिला चिकित्सालय कोटा, बेस चिकित्सालय कोटवाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 122 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शून्य प्रवीण कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनपद में आगामी एक माह रक्तदान अभियान के रूप में मनाया जाएगा। कहा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने रक्त समूह की जानकारी नहीं होती, उनकी रक्त जांचा कर ब्लड ग्रुप की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्वेच्छा से आरोग्य सेतु ई रक्त शिविर के माध्यम से रक्तदाता के रूप में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न गंभीर बीमारियों और सर्जरी के दौरान रोगी व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अक्सर बीमार व्यक्ति जिसमें खून की कमी होती है एवं समय से खून नहीं मिल पाता, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए एक यूनिट रक्त से कम इन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही 16 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति जिनका वजन 45 किलो से अधिक हो वे रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती एवं पौष्टिक खान पान से 24 घंटे के भीतर ही शरीर में उतने ही रक्त का निर्माण हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में रक्तदान कर सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है रक्तदान हेतु लोगों को प्रेरित करने की, ताकि रक्त की कमी से जूझ रहे बीमार व जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाया जा सके। किसी का रक्त किसी को जीवन दान दे सकता है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रिश्तेदारों, सहयोगियों और जनता को नियमित स्वैच्छिक